नमस्कार। आज बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुकेश पंडित पूर्व विधायक का आज स्वागत समारोह किया गया। आज मासिक मीटिंग भी थी। देखें वसीम सैफी की खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारी टीम बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है। सर, ये यहाँ पर किस क्या प्रोग्राम हुआ है और किसका यहाँ पर स्वागत समारोह किया गया? यहाँ पर समाजवादी पार्टी मासिक बैठक चल रही है, जिसमें माननीय पूर्व विधायक श्री मुकेश पंडित जी का आज पार्टी में स्वागत समारोह जिला कार्यालय पर रखा गया है। और मासिक बैठक में 5 तारीख में जो साइकिल यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने गरीब पंडित जी के आयोजित की है, उसके लिए चर्चा कर ली है कि हर तहसील में जो साइकिल यात्रा होगी वो बहुत मजबूती के साथ होगी और यह साइकिल यात्रा संदेश देगी कि भाजपा की सरकार अब ध्यान नहीं आने वाली उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाने के लिए। वो जितना भी उत्तर प्रदेश का यूथ है सब साइकिल चलाने जा रहा है। आज हमारी मासिक बैठक का आयोजन हुआ है, इसमें हमारे साथ पूर्व विधायक आए हैं मुकेश पंडित जी शिकारपुर विधानसभा से, उनका स्वागत समारोह था। और हम अब अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं कि आने वाले 2022 में सरकार कैसे बने, उसी को लेके मीटिंग है, रणनीति है। और 5 तारीख की रणनीति है, हर तहसील के ऊपर 10 किलोमीटर तक साइकिल हम चलाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान और पार्टी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पिल्लू अंसारी का कहना है कि पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कार्यकर्ता पार्टी के। सर, मेरे साथ पार्टी कार्यकर्ता, सर क्या कहना चाहूँगा आपका नाम? तो SC ST का जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम पुष्पेंद्र जाटव है। आज जनपद कार्यालय पे हमारे पूर्व में MLA रहे हैं मुकेश पंडित जी का प्रथम बार स्वागत समारोह है यहाँ। और 2022 में आतंक आयोग की सरकार को हटाने के लिए ये समाजवादी पार्टी का जो जनसेना पार्टी कार्यालय में उपस्थित हुआ है, ये साबित करने के लिए हुआ है कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के मिशन के लिए समर्पित लोग हैं और आतंक आयोग की सरकार को संवैधानिक रूप से फाड़ फेंकने का कार्य हम 2022 के अंदर करेंगे। सर, 2022 में कितनी सीटों का अनुमान मान रहे हो? हम सन 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 351 सीट लाएंगे और जनपद बुलंदशहर के अंदर 700 की 700 सीट हम जीतेंगे भारी बहुमत से। पूर्व विधायक मुकेश पंडित, परम सत्य श्री नेताजी, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, नन्दा साहब, पार्टी के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने मुझे पुनः इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया है और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राहुल यादव जी का भी, तमाम नौजवान साथियों, माताओं बहनों यहाँ पार्टी कार्यालय पर आए और मेरे साथ भी चल के आए, सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इसकी क्या तैयारी चल रही है आपकी? हमारी समाजवादी की तैयारी चल रही है, 5 तारीख को जन्मेश्वर मिश्र की जयंती पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर साइकिल यात्रा दी करी जाएगी ताकि विरोधी पक्ष को एक मैसेज जाके कि हम 2022 में सरकार बना रहे हैं और 2022 में इस भाजपा सरकार को फाड़ फेंक देंगे, ये आपसे विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। ये थे पूर्व विधायक पंडित जी, जो बता रहे थे 5 अगस्त को निकाली जाएगी। राजपाल सिंह देवतिया, मैं अगौता का निवासी हूँ और जिस बात पे सरकार कहती है हमने बहुत विकास किया, इतना विकास किया कि हमारे देश का नौजवान आज इस हालत में है कि आत्महत्या करने की कगार पर है और किसान का बदहाल है, मजदूर बदहाल है। और आपने जब से देखा होगा केंद्र में या प्रदेश में इनकी सरकार बनी है, उस दिन से लाइन ही नहीं टूटी है, चाहे वो बेरोजगारी हो या नोटबंदी पे हो या कोरोना पे हो या ऑक्सीजन के मामले में हो, और किसान को बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। हाँ, ऐसी घटा मुक्त करा दी है कि भैया उनकी गाड़ी चले, हमारी तो ट्रैक्टर चलती ना है भैया, हमारी भैंसा की ट्रैक्टर कहाँ चले, हमारे तो खट्टा खट्टे में ही रह, उनकी चलती होंगी गाड़ी भैया। उन्होंने तो VIP कल्चर भी खत्म करवा दिया था, जिसमें एक एक मंत्री के पास 200-200 पुलिस वाले गार्ड रहे, उनके कहने से क्या भैया, देश उनके कहने से थोड़ी चलेगा। हमारी जो मीटिंग हुई थी 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के हुई थी, तो हमारे जनेश्वर मिश्रा जी जो छोटे लोहिया जी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जयंती है परसों की,
तो हम विधानसभा में 5 से 10 किलोमीटर तक हर तहसील में साइकिल चलाने का कार्यक्रम रखा है। ₹300+ अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किए हैं, इसी पर बहुत अच्छा उम्मीदवार छात्र सभा का प्रदेश कमेटी का सदस्य प्रेमगिरी यादव जी ने मनवाने का काम किया था। 2011 में